गंगापुर का गंगा राम, गंगापुर का गंगा राम। एक नंबरी कलाकार है, नामी है नौटंकी बाज। बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज। कितना भी हो जाए नाम, बने नहीं विद्या बिन काम। कितना भी हो जाए नाम, बने नहीं विद्या बिन काम। कहता है भाई गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम। कल रात गंगापुर में सुल्ताना डाकू उर्फ गरीबों का मसीहा नौटंकी खेला गया। सुल्ताना डाकू का अभिनय करने वाले कलाकार का काम किसी को पसंद नहीं आया। अरे इसमें तो शुरू से आखिर तक गंगाराम की तारीफ ही तारीफ लिखा है। गंगाराम की अभिनय क्षमता देखते हुए कहना पड़ता है कि उसके जैसे बेजोड़ अदाकार की जगह गंगापुर गाँव नहीं बल्कि मुंबई की फिल्मी दुनिया में है। नाटक सफल होने की खुशी में पंचायत की तरफ से गंगाराम जी को इनाम देने का फैसला हुआ है। सच्चाई तो ये है कि तुमसे ज्यादा नाम और इज्जत है हमारा। और एक बात और सुन लो, हम बम्बई जाएंगे और साथ में सरस्वती मैया को भी लेकर जाएंगे। और का? सरस्वती माँ खुद तुम्हारे पास चली आई है, अब तुम भी इनकी शरण में आ जाओ। चाहोगे तो अब भी शिक्षा की कमी पूरी कर सकते हो, फिर हमेशा हर बात में सबसे आगे रहोगे। आज की मीटिंग का उद्देश्य बहुत महान है। अब वो उद्देश्य है गंगा को बड़का हीरो बनने के लिए बंबई भेजना। जय बजरंगबली, हम सोच लिए हैं कि बंबई रवाना हो जाएं। अब आप ही का सहारा है प्रभु, अब हम यहां अपनी किस्मत नहीं अजमा सकते, हम बंबई में ही अजमाएंगे। ये गंगाराम भोला भाला अनपढ़ गंवार जरूर है, लेकिन बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार भी है। अब हम सोच लिए हैं कि पीछे नहीं रहेंगे, और अब हमारा जिम्मेदारी उठाने से आपको भी पीछे नहीं रहना है। जय संकट मोचन, इतना ही विनती है आपसे और कुछ नहीं, बस जय हो। अरे कुंती, तू काहे पीछे पीछे आ गई रे? बस आपके पीछे पीछे चली आई, काहे हमें मंदिर में आने की मनाई है का? हम नहीं आ सकते? अरे हाँ काहे नहीं सकते, लेकिन रोज रोज तो नहीं आती ना। तो रोज रोज तुम कौन सा बंबई जाने की ठानते हो जो हम आए? अच्छा बात बहुत अच्छा कर लेती है तू। अच्छा सुनो, बहुत कुछ कहना है। बहुत कुछ? बहुत या थोड़ा? बहुत बहुत, तो बैठ। बोलो। बंबई जा रहे हो तो एक तो बकसवा तो खरीद लो। बक्सा? अरे तो हम पहले खरीद लिए हैं। अरे तो हमको का मालूम, ना बताए ना दिखाए। अच्छा तो हम बक्सा खरीद के ढिंडोरा पीटते फिरेंगे, देखो हम बक्सा खरीद लिए हैं, बक्सा खरीद लिए हैं। अच्छा ठीक है, अब ऐसा करो का? वो बकसवा पे अपना नाम लिख लो, कहीं भुला गया तो कोई लौटा तो देगा ना। लेकिन हमको मालूम है तुमको लिखना नहीं आता, ऐसा करते हैं नंदू पेंटर के यहाँ चलते हैं नाम लिखवाने के लिए। अरे वाह, बहुत ख्याल रखती है तू तो हमरा। और नहीं तो का, चलो अब नंदू पेंटर के यहाँ बकसवा दे आए। चलो। पेंटर बाबू, ओ पेंटर बाबू। आते हैं भाई, जरा रुकिए। देखना नाम पता ठिकाना सब अच्छे से लिखवाना। तब आए काय के लिए हैं? बोला भैया, का काम है भैया?
ये नया बक्सा खरीदा है, इसमें बढ़िया सा हमारा नाम पता और ठिकाना लिख दो, हम बंबई जा रहे हैं। कहाँ लिखे? लिखो गंगाराम उर्फ सुल्ताना डाकू। नहीं नहीं ये नहीं भैया, लिखो गंगाराम गांव पोस्ट गंगापुर जिला बिशनपुर बिहार। ठीक से लिखना। नंदू पेंटर का मतलब अच्छा काम। पैसा भी तो अच्छा ही लेते हो। सिर्फ 20 रुपया। अच्छा। मतलब 5 रुपए का गंगाराम और 15 रुपए में गांव जिला पोस्ट और बिहार। वाह भैया। अच्छा ये बक्सा कब मिलेगा? अरे आज संजय को लेके जाओ। ठीक है चल। सुनो ये बकसवा पे जब तुम्हारा नाम लिख जाएगा ना, तब जो भी इसे पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि तुम कौन हो। ये तो समझ जाएगा कि हम गंगापुर के गंगाराम हैं, लेकिन ये कैसे समझेगा कि हम नवटंकी के बादशाह हैं? अब वो समझने की कोई जरूरत नहीं है। काहे? क्योंकि बंबई जाके तुम्हें फिल्म का बादशाह बनने का है। अरे वाह। चलो माई ये देखो बक्सा में नाम लिखा लिया है, गंगाराम गंगापुर और जिला बिशनपुर। अच्छा। अब वो कुंती कहत रही बहुत बढ़िया नाम लिखा है, अब बक्सा में नाम लिखा है तो बक्सा कभी भुलाएगा नहीं। ये तो अच्छा किया नाम लिखा लिया, मजबूत ताला लगा के रखियो। हाँ। कहाँ सोच रही माई? सोचत हूँ बेटा, तू जा तो रहा है लेकिन पैसे का तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। तू फिक्र मत कर माई, सब इंतजाम हो जाएगा। अरे कहाँ से हो जाई, तू ठहर। इले इका बेच के देख कितना मिलता है। अरे सब क्या कर रही माई, ये सब नहीं बेचेंगे। अरे पगले, जब कल तू तरक्की करेगा तो और पैसा कमाएगा तो और बनवा लेंगे, तेरी दुल्हन को वही दे दूंगी। नहीं माई, एक ही गहना तो तेरे पास बचा हुआ है, इसको हम नहीं बेचेंगे, हम खुद इंतजाम कर लेंगे, तू फिक्र मत कर, हम जा रहे हैं गुरुजी के पास। अरे बेटा। अरे नहीं तू रहने दे, तू फिक्र मत कर माई। हाँ। अरे का भाई, हम तो तुम्हारे ही पास आ रहे थे। अरे तो हम तुम्हारे पास आ रहे थे, बोलो का काम है? ऐसा है कि बंबई जाने में हमको एक तो बहुत बड़ा परेशानी है। वो का है? अरे बंबई परदेश है, वहाँ रहने खाने के लिए पैसे का जरूरत तो पड़ेगा ना, वो कहाँ से आएगा? गंगा भैया। हाँ। आप बंबई जाके जम जाइए, फिर हम भी तुम्हारे साथ हो लेंगे। अरे पहले जाने दीजिए, नया शहर है वो भी बंबई, ऊपर से फिल्मी नगरी। अच्छा सुना है। हाँ। कि सारे हिंदुस्तान से लोग बंबई जाने के आस लगाए बैठे रहते हैं। आस लगाने से क्या होता है, अरे वहाँ जाइए मेहनत करिए तब ही ना कुछ होगा। अरे जब जाओगे तब देखना जम जाओगे। अरे यहाँ पर भी तो तुम्हारा अकेले का धाक था, भगवान की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई ऐसे ही दुआ करते रहना। अरे हम तो दुआ करेंगे ही। हट, हम तो भटक गए, आ रहे हैं हम पैसा की बात करने, बंबई जा रहे हैं पैसा तो चाहिए पड़ेगा ना। अच्छा तो ये बात तुमको खाए जा रहा है। हाँ। चलो बद्री को साथ में ले लेते हैं। चलो। वैसे माई अपना गहना बेच के हमको पैसा देना चाह रही थी, लेकिन हम ऐसे कतई नहीं होने देंगे भाई। ये बात तो बहुत ठीक की है, एक काम करते हैं गाँव वालों से चंदा ले लेते हैं। अरे धत, अब अभी सूखा के लिए गाँव वालों से चंदा लिया था, अब हम अपने निजी मामला के लिए चंदा मांगेंगे? अरे भाई अपने गाँव का आदमी हीरो बनेगा तो गांव का नाम नहीं रोशन होगा। अरे गांव वालों से चंदा लेंगे तो अर्जुन हल्ला नहीं मचाएगा, कहेगा कि उसको भी बंबई जाना है, वही कहेगा कि हमको भी चंदा दिलाओ तब। ये बात तो सही है, वैसे कितना पैसा चाहिए? कम से कम 5000 रुपया और चाहिए होगा। अब देखो 1000 तो हमको पुरस्कार मिला था वो हो गया, अब 4000 रुपया और चाहिए। हमारे पास 200 रुपया है। अरे वो नहीं चाहिए भाई, वैसे तो कुंती भी हमको 1000 रुपया दे रही है लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, कहे कि से उसको भी अपना कपड़ा लत्ता खरीदना है कि नहीं। अरे हम भी तो अपनी खुशी से दे रहे हैं। अरे वो बात नहीं है, एक काम करते हैं गुरुजी के पास चलते हैं, वही कौन रास्ता बताएंगे। ठीक है चलो चलो। अरे भैया गंगाराम, कोशिश करने से ही तो फल मिलता है, हिमालय पे चढ़ने वाला अगर पहले ही सोच लेता कि कितना मुश्किल काम है तो वहां पे झंडा फहरा पाता। हिम्मत तो बहुत है गुरुजी, लेकिन कितना बड़ा महानगरी, कोई जान ना पहचान, स्टेशन से उतर कर कहां जाएंगे, किसके पास रहेंगे हैं? अब कितना पैसा का दरकार होगा ये भी तो नहीं मालूम, अब अगर वापस आना पड़ा तब क्या करेंगे हैं? टिकट का पैसा भी तो अंटी में होना चाहिए कि नहीं, बस यही फिक्र हमको खाए जा रहा है, रात भर को नींद नहीं आया गुरुजी। अरे भाई जब तक नदी में कूदोगे नहीं तब तक तैरना कैसे सीखोगे? देखो जिसका इरादा पक्का होता है ना वो मंजिल पे नजर रखता है, ये नहीं सोचता है कि रास्ते में कितना मुश्किल आएगा। हां अच्छा गुरुजी, अपने गांव का कोई है मुंबई में? अरे हाँ खूब याद दिलाया,
वो तो हमारा समझियान पड़ता है। अच्छा, समझो कि गंगाराम को रहने का ठिकाना तो मिल गया। हमारी बड़की लड़की की ननंद राम मिलन की औरत है, दुलारी नाम है उसका। हम तुमको चिट्ठी लिख देंगे, लेते जाना। भाई जी, आधा किलो तो फतेह। गुरु जी, बम्बई जाए में खर्चा वर्चा कितना लग जाएगा? अरे जितना पैसा जुटा हो जाए सब ले जाओ, और फिर भी जरूरत रहेगी तो हम लोग यहाँ बंदोबस्त करेंगे। गंगाराम, देखो पूरा गांव चाहता है कि फिल्म या टीवी के पर्दे पर तुम दिखो, इसलिए सबकी शुभकामना तुम्हारे साथ है, सिवाय अर्जुन के। हाँ। अरे फिर तो पूरा किला फतेह, किसी बात पर हम चाय पिलाएंगे। अरे वो बचकनुआ, जरा चाय तो लाना। अरे सुना है कि मुंबई बड़ा महंगा शहर है, रहना सहना खाना पीना सब में बहुत पैसा लगता है, अरे कैसे पार लगेगा? अब तो जो भी है गुरुजी, आप ही को बचाना है। अरे हम तो इन्हीं के भरोसे जा रहे हैं भैया, असली फिकर पैसा का है। अब अपनी तरफ से जितना इंतजाम हो जाएगा उतना ही अच्छा है। हाँ, तुम लोग अपना इंतजाम करो और हम जरा पोस्ट ऑफिस होके आते हैं। गंगा भाई, हम बैल खरीदने के लिए कुछ पैसे रखे हैं, समझो इतने का इंतजाम तो हो गया। अरे हम भी कुछ जुटा देंगे भैया, पर एक बात पक्का है भाई जी, कैसे भी हो हम आपको बम्बई भेजेंगे जरूर जरूर। हाँ। अरे अर्जुन। हाँ। गंगाराम सच में बम्बई जा रहा है। हाँ। तो बम्बई जाके के कौवा हंस बन जाएगा? अरे कौवा तो हंस नहीं बनेगा, लेकिन जो हंस है वो तो हंस ही रहेगा ना। ये तो अपनी समझ की बात है, कौन कौवा है और कौन हंस। अरे भाई, हंस तो एक ही है इस गांव में, बाकी सब कौवे तो है। चलो नहीं बैठेंगे। कहे थे ना, एक सूर्या है, जो ठान लेता है वही करता है ससुरा। मतलब फिल्म में कुछ ना कुछ बन ही जाएगा ससुर। अरे जब बन जाएगा, इतना आसान है क्या? यही आएगा लौट के बुद्धू, तुम देखना। ये देख सुन, बने चाहे ना बने, लेकिन हम लोगों को उसके जैसा दिखना चाहिए कि हम लोग गांव वाले खुशी में शामिल हैं। ये है चाणक्य की नीति। बात तो ठीक है भैया, चले। कुंती, हमका गांव भर का लोग बधाई दे रहा है, कह रहा है शाबाश गंगाराम, बम्बई जाओ और गांव का खूब नाम रोशन करो। गांव वाला हमको बहुत प्यार करता है भाई। प्यार समझते हो तुम? प्यार नहीं समझते होते तो हमको समझ कैसे आता? खाक समझ आया। तो हम बच्चा हैं? बच्चा? तुम तो बच्चे से भी ज्यादा भोले हो। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम गंगा राम नहीं भोला राम हो गए? बुद्धू राम हो गए। देखो हमको चंदन चिड़ा, हम नहीं जाएंगे बम्बई। अच्छा अच्छा, कान पकड़ के माफी मांगते हैं, बस अब काम शुरू करो। इलियो। अरे नहीं, पहले सरस्वती मैया का रखा जाएगा। रोज सुबह सरस्वती मैया को प्रणाम करके बाहर जाना। अरे इसीलिए तो लेकर जा रहे हैं। अब एक तो और चीज साथ लेते जाओ। हमारी निशानी है? अरे ये तो बहुत खुशबू मार रहा है भाई है? बहुत हिफाजत से रखना। हाँ वो तो रखेंगे। और ये कौन सा डिजाइन है? ये डिजाइन नहीं है, ये गा अक्षर है, गा से गंगाराम। अच्छा, गा से गंगाराम। ठीक है। और का से का? का से का? इतना भी नहीं समझे, का से कुंती। अच्छा, गा से गंगाराम और का से कुंती। चलो गा और का तो सीख लिया, बाकी देखा जाएगा। जी नहीं, का खा गा घा सब सीखना पड़ेगा। चलो तुम कह रही तो सीख ही लेंगे, नहीं तो जिंदगी भर पीछे ही पड़ी रहोगी। काय मंदिर जा रहे हो का? हमको कभी मंदिर जाते देखा? भाई हम तो जाते हैं, मंदिर जाने से मन साफ होता है। हाँ, जिसका मन गंदा रहे उसको साफ करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम गंदा ही सही, अब गंदा आदमी से दूर ही रहो। अरे गंगाराम, अरे भाई, अरे सुनो तो सही। अरे गंगाराम, अरे 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 भाई सुनो तो सही। अरे भाई मजाक भी नहीं समझते, सुना है बम्बई जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं, काहे? तुम्हारा मैदान साफ हो गया, हमसे का शिकायत है? अब बड़का शिकायत है,
तुम बम्बई जाने खुशी में हमें शामिल नहीं किए हो? अरे भैया, जिसको खुशी होती है वो अपने आप ही शामिल हो जाता है, किसी के नौते का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। चलो हमारी मोटरसाइकिल पर। तुम्हारी मोटरसाइकिल? हाँ। और हमारा साइकिल कौन ले गया? तो अरे कैसे ले जाएगा, मंदिर में खड़ा कर देंगे, कैसे ले जाएगा? मन में शिकायत लेके बम्बई नहीं जाने देंगे। लेकिन जाना कहाँ? गुरु जी दुकान पे। तो चलिए देखा जाएगा। मैं ले चलता हूँ। अरे कहा देख रहे, पूरब और पश्चिम एक साथ। भगवान झूठो, स्पेशल चाय। अरे क्या बात है अर्जुन, आज स्पेशल चाय? हाँ भाई, बात ही स्पेशल है। अब तक कुछ जरूर है, अचानक मौसम कैसे बदली हो गया। अरे बात का होगा, कल हम मुंबई जा रहे हैं ना, इसलिए। हाँ, दो टी स्पेशल चाय बना लो। अरे नहीं है। अरे खाओ। वो तो समझे, अर्जुन में आज स्पेशल बात नजर आ रही। अरे राम राम गंगा भैया, राम राम। जय राम जी की। अरे यहाँ चले आए। हाँ बस। अरे दूठो चाय और बड़ा स्पेशल। अरे हद करते हो भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे पूछने की बात है, तभी तो पूछ रहे हैं। अरे तो बनाओ बनाओ। हाँ बनाओ। आज मरखाना बैल गाय कैसे बन गया? अरे चुप कर। ये लो भाइयों, लो नान खटाई खाओ। अरे लो यार। अरे लो, ये जो है गंगाराम के बम्बई जाने की खुशी में है। अरे खुशी तो सारे गांव को है, लेकिन लगता है तुमको कुछ ज्यादा ही है। काहे नहीं, तभी तो नान खटाई खिला रहा है। गंगाराम, तुम बम्बई चले जाओगे तो माई अकेली रह जाएगी। अकेली का है? ई बद्री ऑफिस है ना? का है? हम नहीं का। अरे नहीं नहीं भाई, आप ही लोगों के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। आ, देखो पंडित जी सही आएगा, एक चाय और बढ़ा दो। हाँ एक तो और चाय। आइए आइए पंडित जी। नमस्कार। आज तो आपकी खास जरूरत है। भविष्यवाणी सुनना है का? कुछ हो तो सुना दो। आज की भविष्यवाणी खास है। का? सुनो, गंगाराम कल बम्बई रवाना हो जाएगा। और गंगाराम का बक्सा अर्जुन अपने माथे ढोएगा, माथे। तुम तो पहले ही बहुत किए रहे गंगाराम वास्ते, अब एक ही आदमी पे इतना बोझ पड़े, ये भी तो ठीक नहीं। अब वो सब छोड़िए भाऊजी, लेकिन ये दोनों आ का ही नहीं रही है, 2 घंटे में निकलना है। आ गड़िया छूट जाए तब? अरे गुरुजी, गड़िया नहीं छूटेगी, बद्री विशेषर बहुत जिम्मेदार आदमी है। बड़े टाइम से आ गए। हम क्या कहे थे, गाड़ी छूट सकती है, बद्री विशेषर नहीं छूट सकते। आओ आओ बैठो। ये बताओ, जो हम काम करने गए थे वो बना? हाँ गुरुजी, ठाकुर जी की कृपा से सब काम बन गया। काही देर लगी? अरे वो कहा है, मन मुताबिक ग्राहक मिलने में टाइम लग गया ना। मन मुताबिक ग्राहक नहीं मिलता तो हम बैठे रहते। अरे कैसे नहीं मिलता? अच्छा बता कितना लाए? अरे हाँ ये लीजिए भाई जी, 2000 रुपया है, जितना कुल रुपया है वो मैं ये भी जोड़ लो। गुरु जी गंगा बहुत भाग्यवान है, जो आप जैसे मददगार मिली है, जो बंदोबस्त हुआ है उससे काम चल जाए ना। अभी के लिए तो ठीक है, बाकी जरूरत पड़ी तो हम का मर गए है। अगंगा संकोच न करना, अपना जरूरत तुरंत लिखवाना। अरे और आपकी चिट्ठिया? अरे भली कही, चिट्ठिया तो भुला ही गए थे, ये लो चिट्ठी, हम दोनों को लिख दिए है, वहाँ जाके हाथ में पकड़ा देना। जी ठीक। हाँ बेटा संभाल के रख लेना, वहाँ का उन्हों संकोच न करना और दुलारी बिटिया से हिलमिल कर रहना। हाँ भाई। अरे गंगाराम जल्दी करो भाई, या गाड़ी छूट जाएगी। अच्छा मैं जा था। बस खुशी खुशी जा बेटा, तू मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं तो यही चाहती हूँ कि तू नाम कमा कर वापिस आए, भगवान तुम्हें कामयाबी दे, और चिट्ठी में अपना हाल पता जरूर लिखते रहना। हाँ माई वो तो लिखवे करेंगे। हाँ। कुंती माई का ख्याल रखना। बेफिक्र होकर जाओ, तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा भाइयों, सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम बम्बई जाएं और कुछ बन के दिखाएं। अरे गंगाराम, तू जैसे गंगापुर की शान है ना, वैसे फिल्मी दुनिया की भी शान बनेगा। आपका आशीर्वाद है गुरुजी बस। अब बेटा वहां पहुंचते ही खबर करना, हमेशा किसी से चिट्ठी लिखवा लिखवा के भेजते रहना। हाँ। राम मिलन का पता चिट्ठी सब संभाल के रख लिया ना? हाँ वो बक्सा में सब संभाल के रख लिया। हाँ। गंगाराम ई प्रसाद समझ के रखना, गंगाराम पंडित की बात याद रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
हाँ पंडित जी, वो सब याद है हमको। अर्जुन। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। देखो आज से हम ये बासा वाला मुकुट तुम्हारे सर पर रख दिया है। आज से गंगापुर की नवटंकी के बादशाह तुम हो गए। और हमारी भी शुभकामना है कि गंगाराम बंबई जाके वहाँ का बादशाह बने। अरे गंगा भैया, बंबई जा रहे हो ना, तो वहाँ के फिल्मी दुनिया का ऋतिक रोशन और शाहरुख खान का छुट्टी कर देना। अरे वो तो कार्रवाई करेंगे, ऐसे ना छोड़ देंगे। क्या बात है, क्या बात। अरे खाना खाना तो रह गया। चलो अच्छा है। अच्छा मैया चलते हैं। बद्री को तो हम साइकिल पर स्टेशन भेज दिए हैं, वो टिकट कटवा लेगा। गंगा भाई आप तो बड़े किस्मत वाले हो जो बंबई जा रहे हो। बात तो सही है, लेकिन गांव घर संगी साथी छूटने पर कुछ दिन तो मन नहीं लगेगा, क्यों भाई जी? अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है विशेषर। कौनो बात नहीं, जिस दिन आप कुछ बन जाएंगे ना, उस दिन ये बिछड़ने उछड़ने का गम सब दूर हो जाएगा। अरे कुछ भी हो, तुम सब लोगों का हमको बहुत याद आएगी। बात तो सही है, लेकिन एक बात है भाई जी। क्या? बंबई के हीरोइनों को आपको साक्षात देखने का मौका मिलेगा। अरे तो हम देखने के लिए थोड़ी ना भागेंगे, और दिखाई दे गई तो अखियां भी नहीं मूंदेंगे। अरे जब गंगा भैया खुद ही हीरो बन जाएंगे तो हीरोइनों से तो दोस्ती ऐसे ही हो जाएगी। अरे हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। कोई हम हीरोइन से दोस्ती करने थोड़ी ना जा रहे हैं। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन एक बात का खटका हमारे दिल को खाए जा रहा है। कौन बात? बंबई जाके अपने इस गांव को मत भूल जाना, और अपने गांव का नाम जरूर रोशन करना भाई। अरे कैसे भूल बखर है, हम गांव को भूलेंगे? इस गांव ने हमको इस लायक बनाया है कि हम हीरो बनने जा रहे हैं, और हम इस गांव को भूलेंगे, इसकी मिट्टी को भूल जाएंगे। अरे हम फौरन जाकर गांव का नाम रोशन करेंगे और गांव लौट के वापस भी आएंगे। अरे बहुत बढ़िया बोले हैं। चलो बैठा, चलो भैया बैठो, देखा चलाओ। अच्छा भैया चलते हैं, हम भी आवत है। अरे तो आओ, चलो चलो। अरे चल बढ़ा दे गाड़ी, चलाओ। रघुआ, ये गंगुआ बंबई गया कैसे? रेलगाड़ी से गया होगा। अरे वो तो हमको ही मालूम है, हवाई जहाज से नहीं गया होगा। लेकिन गंगुआ के पास इतने पैसे आए कहां से? आप बहुत सोचते हैं भाई, लेकिन बात तो ठीक है। कहीं चोरी तो नहीं कर लिया? सकल से चोर लगता है वो। अरे चल, चोरी करेगा, ठीक से खड़ा हुआ नहीं जाता, चोरी करेगा। चोरी करने के लिए हिम्मत चाहिए बहुत। आपकी तरह। क्या बोला? नहीं वो गया कैसे होगा। हाँ अब आई बात समझ में। का हम लोग गांव में नौटंकी खेलने गए थे। हाँ। और गांव वालों ने बेईमानी से 1000 रुपए उस इनाम में दिए। हाँ। 1000 रुपए। अच्छा। माई के गहने बेचे होंगे 1500-2000 रुपए। हाँ। और बाकी साइकिल बेच के गया होगा बंबई। अरे साइकिल थोड़ी बेचा होगा, साइकिल से तो बद्री गया टिकट लाने। यदि बेचा होता तो साइकिल ज्यादा थोड़ी। हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया है। का? वो 3000 ना अपने जेब में रख लिया होगा और फ्री में चला गया होगा रेलगाड़ी से बंबई। कैसे चला गया, टिकट लेने नहीं गया वो? अपने गांव के स्टेशन से 2 स्टेशन का टिकट लिया होगा, बाकी फ्री में ना चला गया होगा। अरे वाह, क्या बात बोली। अब तो गंगवा विदाउट टिकट ट्रेन में पकड़ा जाएगा और जेल में चक्की पीसेगा यूं, और फिर वापस यहाँ हमारे गांव में। तब तक आप हीरो बन चुके होंगे क्या? यूं हुआ। हाँ? एक बात और सता रही है। का? अगर मान लो गंगा किसी तरह बंबई पहुंच गया तो, और वहां जाके कुछ बन गया तो? अरे अनपढ़ गवार का बनेगा। अरे हम भी तो यही चाहते हैं कुछ ना बने, लेकिन वो सुसरे एक सूर्या जो ठान लेता वही करके छोड़ता है, और फिर किसी की किस्मत का कोई भरोसा नहीं। एक बात का है। का? अगर गंगा कुछ बन गया ना तो आप भी उसके सहारे बॉम्बे में जाके हीरो बन जाइए, और फिर उसको एक्टिंग में छाड़ कर उसको फ्लॉप करके यही गांव का टिकट कटवा देंगे। कहा समझे? समझ गया। का? ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। चुप पड़ भाई, जब देखो उल्टी सीधी बातें सोचता है, आगे की सोचता ही नहीं। आगे का सोच लिया है। क्या सोचा? बाबूजी के पास जाओ, रुपया मांगो, अब बंबई चला जाओ। बाबूजी ने अगर भगा दे तो माई से मांग लो।
अरे वाह रघुवा वाह, क्या बात है। चल बाप के पास चलते। चला चल। आ बेटा अर्जुन, क्या बात है, रुपया नहीं मिलेगा? रुपया की बात नहीं है तो? वो गंगुआ बंबई गया है। कौन, वो नौटंकी वाला? जी पिताजी। वो तो हमें क्यों बता रहे हो, हम क्या करें? और कोनो बात है का? हम भी बंबई जाना चाहते हैं। का? अरे पगला गए हो हैं? और एक बग बंबई का सपना कैसा हैं? अरे घूमने जाना हो तो पटना जाओ, टाटा जाओ, वहां जाकर नौकरी ढूंढो। और तुमको नौकरी कहां मिलेगी? आठवीं क्लास तो पास नहीं किए हो? कितना बोले कि बच्चों आगे पढ़ो आगे पढ़ो, लेकिन बाप दादा की जायदाद दिखाई दे रही थी ना, तो पढ़ाई की जरूरत का है? फटपटिया चलाने की डिग्री मिल गई ना, तबस आप फटफटते रहो ऊपर। लेकिन हम आज तक बंबई नहीं गए हैं। अरे तुम तो लंदन में नहीं गए तो आपका लंदन जाओगे? लंदन की बात नहीं है, वो लंदन तो विदेश में है और ये बंबई तो अपने देश में है। ये बात हम का मालूम है? अभी तो गए थे एक बार बंबई। अरे हम अपने पैसों से गए थे बंबई, अपने बाप के पैसों से नहीं। और ये जरूरी नहीं कि जो बात हम किए वो तुम भी करो। माई बोली कि माई का नाम मत लो, समझते का हो? माई से जोर डालवा के एक फटफटिया खरीदवा लियो तब बंबई का टिकट भी हमसे कटवा लोगे। कान खोल कर सुन लो, अपने जीते जी तुम्हारी आवारा गर्दी के लिए हम पैसा नहीं उड़ाने देंगे। हम मर जाए तो जो मर जाए करना। तो हम आपके मरने तक इंतजार करें का? का गंगाराम जो गया है? गंगाराम का घूमने गया है वहां? नहीं तो? वो फिल्म में हीरो बनने गया है। अच्छा तो तुम भी बंबई में हीरो बनने जाओगे? हाँ। गंगापुर का गंगारा, गंगापुर का गंगारा, हे एक नंबरी कलाकार है, नामी है नौटंकी बाज, बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज, कितना भी हो जाए ना